हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। त्योहारों का सीजन आ गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह कम बजट में अपने घर की अच्छे से सजावट कर ले। हर चीज़ दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। कोई भी चीज़ लीजिए, जो पिछले वर्ष 50 रुपये की थी वह अब 100 रुपये में मिलेगी। ऐसे समय में आवश्यकता है कि कुछ हम अपने हाथों से ऐसा बनाएं जो कि देखने में सुंदर लगे और उसमें लागत हमारी कम से कम आए। दीपावली आने वाली है। दीपावली पे हम अपने घर को सुंदर सुंदर झालरों से, दीयों से और लाइटों से डेकोरेट करते हैं। घर को डेकोरेट करने के लिए हम पॉलीथीन से सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स बनाकर उनकी झालर बना सकते हैं। कलर्ड पेपर को डिजाइन में कट करके उससे घर को डेकोरेट कर सकते हैं। पानी के दिए बना सकते हैं। वैसे तो पूजा के लिए हम घी या तेल के दिए ही जगाते हैं, लेकिन हम घर को डेकोरेट करने के लिए पानी के दिए भी बना सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पानी के दिए बनाने बता रही हूँ। दिए बनाने से पहले आपको बाती बनानी आनी चाहिए। यदि आपको बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आती तो कोई बात नहीं। मैं आपको पहले बाती बनाने का मेथड शेयर कर रही हूँ, उसके बाद ही हम दिए बनाएंगे। बत्ती बनाना पूजा से रिलेटेड कार्य है। हम जब भी पूजा से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। थोड़ी सी कॉटन लेकर हम इसे फैला लेंगे और इसके ऊपर एक स्टिक रखकर इसे रैप करेंगे। ये बत्ती बनाने का न्यू मेथड है। इस मेथड से आप हजारों की संख्या में बत्ती बना सकते हैं। अब इसे हम स्टिक से अलग कर लेंगे। यदि हमें गोल बत्ती बनानी हो तो हम इस प्रकार बनाएंगे। रुई के दो सिरे बना लेंगे और उन्हें हल्के से रैप करेंगे। फिर रुई के दोनों सिरे एक जगह मिलाकर इसे दोबारा से रैप कर लेंगे और इस तरह से हम अपनी खड़ी बत्ती रेडी कर लेंगे। पानी के दिए बनाने के लिए मैंने ये कपूर की डिब्बी का ढक्कन लिया है और मैं इसमें एक बीच में होल कर लूँगी। आप ये होल पेचकस से या फिर किसी कील के द्वारा भी कर सकते हैं। मैंने कपूर की डिब्बी का ढक्कन लिया है। आप इसके स्थान पर किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं जिसमें कि आप इजीली होल कर सकें। ये होल आप पेचकस से या फिर कील से कर सकते हैं। सेकंड दिया रेडी करने के लिए मैंने बर्तन साफ करने वाला लोहे का जूना होता है ये लिया है। इसकी मैंने ऊपर की जो प्लास्टिक है ये उतार ली है और इसे कट करके मैं एक राउंड शेप बना लूँगी। ये प्लास्टिक इजीली कट हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। अब इसमें मैं पेचकस की सहायता से होल कर लूँगी। तीसरा दिया बनाने के लिए मैं सेफ्टी पिन का
यूज करूँगी। मैं इसे थोड़ा सा खोल लूँगी। अब एक कटोरी लेकर इसमें मैं मोमबत्ती का जो ये मोम है इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और इस मोम को गैस पर पिघलने तक गर्म करूँगी। हमने ये जो बत्ती बनाई है इसे हाफ कट कर लूँगी और बनाई हुई बत्तियों को इस पिघले हुए मोम में इस तरह से डिप करके रख लूँगी। ये रुई की बत्तियाँ मोम में डिप करने से अच्छे से जग जाती हैं। अब हमने जिस चीज़ में, जैसे मैंने प्लास्टिक के डिब्बी में होल किया था या फिर बर्तन मांजने वाले जूने की प्लास्टिक की सीट में होल किया था, इनके अंदर ये मोम में डूबी हुई बत्तियाँ हम सेट कर लेंगे। हम तीनों स्टैंड में बत्ती लगा लेंगे। सेफ्टी पिन के बीच में ये होल है, इसमें भी आसानी से हम बत्ती लगा लेंगे। अब हम इस बाउल में और दियो में ऊपर तक पानी भरेंगे। मोती हैं ये डाल सकते हैं, इनसे भी सुंदर लगेंगे हमारे दिए। या फिर हमारे पास फ्लावर्स हैं, इनकी मैंने पंखुड़ियां निकाल ली हैं, इन्हें भी डाल सकते हैं। और इनके बीच में हमने जो ये बत्ती तैयार की है ये रख देंगे। थोड़ी सी पंखुड़ियां और भी डाल देंगे इसमें हम। इसमें भी बत्ती लगा देंगे। अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर हो या और भी कुछ डेकोरेशन के सामान हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, इससे भी ये बहुत सुंदर दिखाई देंगे। इन दियों में थोड़ा तेल भी डाल देंगे, इससे ये अधिक समय तक जलेंगे। अपने दियों को इस तरह से जगा लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।